enemies, coconut, Samarian, golden, full panty, no party, see, in New York, full tattoo. So, hello guys, welcome back to another video of Free Fire. तो यार आज की इस वीडियो में मैं एक पुराना जो टॉपिक था हमारा ट्रिपल लाइन पिंग वाला, तो पुरानी जो मैंने वीडियो बनाई थी ट्रिपल लाइन पिंग वाली, उसमें ऑलमोस्ट सभी लोगों का फ़ायदा हुआ था उस वीडियो से। जियो के सिम में जिन लोगों को ट्रिपल लाइन पिंग आ रही थी, उस एपीएन के थ्रू उन लोगों की पिंग खत्म हो गई थी, क्योंकि उसी एपीएन के थ्रू मैं आज तक नेट चला रहा हूँ, वो भी बिना ट्रिपल लाइन पिंग के। उसके बाद लोगों ने बहुत सारे कमेंट करे वीडियो पर कि यार आइडिया का बना दो, एयरटेल का भी चाहिए वगैरह वगैरह, मतलब जितने भी ऑपरेटर्स हैं उन सब के बारे में, मतलब उन सबका एपीएन चाहिए आप लोगों को। अच्छा, तो यार मैं इसीलिए इस वीडियो में आपके लिए एक ऐसी सेटिंग लेकर आया हूँ, ठीक है, जिसके बाद आपका क्या होगा, आपका एयरटेल का सिम हो, चाहे बीएसएनएल हो, चाहे आइडिया हो, चाहे एयरटेल हो, वोडाफोन हो, कोई सा भी हो, कोई सा भी ऑपरेटर का सिम हो, आप उसकी स्पीड कैसी भी आ रही हो, अच्छी बुरी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ऑब्वियसली अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो आपका ट्रिपल लाइन पिंग कभी ना कभी तो होता होगा, स्पीड स्लो आती होगी डाउनलोडिंग अपलोडिंग की। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि ट्रिपल लाइन पिंग को परमानेंट कैसे ख़त्म करें, मतलब एपीएन के थ्रू, तो उससे आपकी जो इंटरनेट स्पीड है वो एकदम से इंक्रीज़ हो जाएगी बहुत ज़्यादा। और वीडियो को लास्ट तक देखना एकदम, क्योंकि फिर से तुम लोग कुछ चीज़ मिस करोगे और फिर कमेंट करोगे कि यार काम नहीं कर रही है, ठीक है, तो इसलिए वीडियो लास्ट तक देखना। मैं इसमें जो सेटिंग बताऊंगा वो सभी ऑपरेटर्स के लिए काम करेगी, एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन सभी के लिए काम करेगा, ठीक है। और प्रूफ के लिए मैं तुम लोगों को आपका एयरटेल का जो ट्रस्टेड ब्रांड है स्पीड पार्टनर ओखला, उसके थ्रू मैं आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा कि वाकई में स्पीड वर्क करती है और नहीं करती, और ये स्पीड क्यों वर्क करती है मैं आप लोगों को यही बताऊंगा। एक्चुअली इसमें क्या होता है, जो मैं अभी आपको एपीएन दूंगा वो आपके सिम के थ्रू डेटा फैच नहीं करेगा, वो जो सर्वर फैच करेगा ना वो किसी लोकल ऑपरेटर का फैच करेगा, जो आपके आसपास डेटा प्रोवाइडर्स होते हैं, प्राइवेट डेटा प्रोवाइडर्स, वो उनके डेटा सर्वर्स के थ्रू डेटा फैच करेगा, तो वहाँ से आप लोगों को स्पीड मिलेगी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को अपनी सेटिंग दिखा देता हूँ कि मेरी सेटिंग किस तरह से है, ठीक है, मेरी एपीएन कौन सी है। तो अभी जो मैंने एपीएन लिया हुआ है वो डिफ़ॉल्ट एपीएन लिया हुआ है, जो जियो का डिफ़ॉल्ट एपीएन होता है, ठीक है। तो अभी डिफ़ॉल्ट एपीएन को चेक करते हैं, स्पीड, ये स्पीड टेस्ट ऐप है ओखला की, मुझे नहीं पता कितने हद तक एक्यूरेट है, मगर जब लोग बोलते हैं कि ओखला ट्रस्टेड ऐप है और ये एक्यूरेट स्पीड दिखाता है, तो इसीलिए मैं इसी का टेस्ट कर रहा हूँ। अभी यहाँ पर देखिए आप लोग, कनेक्शन मल्टी है, सिंगल, और नीचे सर्वर जियो का है, ठीक है, जियो का सर्वर है। अभी स्पीड टेस्ट करते हैं, अभी फ़िलहाल आप लोगों को दिखाता हूँ दूसरे एपीएन के थ्रू। ये है अपना न्यू वाला एपीएन, ठीक है, तो न्यू वाले एपीएन के थ्रू आप टेस्ट करते हैं। अभी देखिए सर्वर फाइंड करेगा, सर्वर जियो का सर्वर नहीं होगा, ये देखिए सूरज नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, तो ये सर्वर आसपास में जो भी सबसे फास्टेस्ट सर्वर होगा उस सर्वर को फैच करता है, ताकि आप लोगों को स्पीड जो है वो बेस्ट स्पीड मिल सके। तो अभी दिखाता हूँ मैं इस एपीएन का कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले एपीएन नेम में जाकर ना HEX स्पेस अल्फा देना है, ठीक है, और जैसे मैंने लिखा है सेम वैसे ही लिखना है, नेम में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कभी फिर आप लोग बोलें कि यार नहीं चल रहा है, क्योंकि HEX कैपिटल होगा और A कैपिटल होगा, हैक्स अल्फा लिखना है, ठीक है। प्रॉक्सी में जाकर HEX 98, जैसे मैंने बोला है बिल्कुल डिट्टो वैसे ही करना है, कुछ गलती मत करना। उसके बाद यूज़र नेम जो होगा वो होगा आपका 4G सपोर्ट, अगर आपका 4G है 4G सपोर्ट करना, 4G सपोर्ट, सपोर्ट में एस कैपिटल होगा, ध्यान से जितना मैं बता रहा हूँ उतना ही करना, और जो जो बता रहा हूँ वो करना, नाम का बहुत बड़ा लफड़ा है, एक्यूरेट होना चाहिए हर चीज़, ठीक है। सर्वर, सर्वर में आपको वही www.google.com, क्योंकि गूगल सर्वर प्राइवेसी के लिए होता है, ठीक है, ताकि आपकी प्राइवेसी लीक ना हो कहीं। MMS किसी को नहीं छेड़ना है आपको, किसी पोर्ट को, MCC और MNC जो होता है ये आपका प्राइवेट जो टावर होते हैं ना, आपके लोकल जो टावर होते हैं आसपास के, ये उसका कोड होता है, इनको नहीं छेड़ना किसी को भी,
ऑथेंटिकेशन टाइप में आपको PAP और CHAP करना है, ठीक है। उसके बाद APN प्रोटोकॉल और APN रोमिंग प्रोटोकॉल दोनों को IPv4 IPv6 पर सेट कर देना है। बेसिकली क्या होता है, ये IPv4 पर सेट होते हैं, तो आपको दोनों बैंडविड्थ सेट कर देनी है। अब मेन आता है बियरर पर, ठीक है। तो अब यहाँ है मेन बियरर में, अगर आपका फ़ोन सपोर्ट करता है तो आपको अनस्पेसिफाइड को अनटिक करके सभी को सिलेक्ट कर देना है। ये सभी जो हैं ये डेटा बैंडविड्थ हैं, ठीक है। LTE हो गया, HSWAP, HSPA, ठीक है, HGPRS, ये वगैरह वगैरह, ये सब डिफरेंट पाथ होते हैं इंटरनेट के, ठीक है। तो आपको सबको सिलेक्ट कर देना है, और जिन लोगों का ये सपोर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, मतलब बहुत से फ़ोन में होता है, जैसे वीवो हो गया, ओप्पो हो गया, ठीक है, इन लोगों में बियरर जो होता है वो सिंगल सिलेक्शन होता है बस। तो उसमें आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को टेस्ट करना है अपने अकॉर्डिंग कि आपके एरिया में 4G बेस्ट चल रहा है या 3G बेस्ट चल रहा है, उसके हिसाब से आपको सेट करना है। LTE तो आपको पता है 4G के लिए होता है ऑब्वियसली, ठीक है। अब इधर आता है या तो एज, नहीं तो HSPA या फिर HSPAP, ठीक है, नहीं तो उसे अनस्पेसिफाइड रहने देना, ठीक है। तो ये बेस्ट सेटिंग है, आपको बस ये देखना पड़ेगा कि आपका जो नेटवर्क है वो कहाँ सही आ रहा है। जैसे ऊपर अभी देखिए, ऊपर बैंडविड्थ जो है 4G के अपलिंक और डाउनलिंक दोनों बराबर हैं एकदम, तो मतलब नेट अच्छा चलेगा, ठीक है। तो अपने हिसाब से देख लेना कि उधर 3G सही आ रहा है या 4G सही आ रहा है। ये सब बियरर के लिए, जिनका ये सारे ऑप्शन टिक का ऑप्शन नहीं आता उसमें, जिसमें सिंगल टिक का ऑप्शन आता है, सिर्फ उनके लिए है, ठीक है। वो लोग अपने हिसाब से देख कर सेलेक्ट कर लेना कि आपका LTE अच्छा चलता है या HSPA या फिर एच। और ये एकदम वर्किंग ट्रिक है, आप चाहें तो आप भी अपने सिम के बाद इसको ओकला या फिर वेलोसिटी ऐप है स्पीड टेस्ट के लिए, उससे टेस्ट कर सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर करके, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने आप लोगों को ये APN दिया है, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। हमारे 2000 सब्सक्राइबर हो गए हैं, इसी तरीके से यार सपोर्ट करते रहना, जल्दी 5000 होंगे और ज़्यादा बढ़ेंगे, तो मैं आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी चीज़ें लाता रहूँगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।